गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हम स्टैंडर्ड ले रहे के जी सेक्शन, उसमें सब्जेक्ट हमारा है आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके तो बच्चों, आज आपका टॉपिक क्या है? मेक आ लेडी बर्ड। ओके तो बच्चों, आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट बनाएंगे मेक आ लेडी बर्ड। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि लेडी बर्ड कैसे बनाया जाता है, ठीक है? चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहले क्या करेंगे हम, ऐसे टू सर्कल कटिंग करेंगे, ऐसे देखो ये रहा, ठीक है? टू सर्कल ब्लैक कलर के कटिंग करेंगे और टू सर्कल रेड कलर के। तो आपको ये क्या करना है, बिल्कुल भी बाहर से कोई भी आपको प्राइस खर्चा नहीं करना है, कॉस्टली। आपको क्या करना है, वाइट पेपर लेके उस पर रेड कलर कर देना है टू पेपर्स, वो पेपर्स दोनों एक जैसे कटिंग करने हैं, दोनों एक शेप के, ठीक है? और जो ब्लैक पेपर है उसमें जो ब्लैक वाला है वो कम, वो ये तीनों एक साइज़ के पेपर रहेंगे, ठीक है? और ये जो है वो स्मॉल साइज़ रहेगा, ठीक है? तो इस पर क्या करना है, ब्लैक वाइट पेपर पर ब्लैक कलर करना है और वाइट पेपर पर रेड कलर करना है। तो टू ऐसे आपको सर्कल बनाने हैं और दोनों एक साइज़ के ही बनाने हैं। देखो आपको दिख रहे, ये देखो दोनों एक साइज़ के, तीनों ये एक साइज़ के होंगे, लेकिन जो इसका जो फेस है वो कैसा आएगा, स्मॉल साइज़ का, ठीक है? उसके बाद आपको उसकी टू आइज़ बनानी है। ओके उसके अंदर आपको कौन सा कलर करना है, ब्लैक कलर कर देना है, ठीक है? तो देखो मैंने ऐसा बनाया, आपको दिख रहा है? तो ये आज हम बनाएंगे लेडी बर्ड। ओके देखो, ठीक है, दो पेपर्स में आपको रेड कलर करना है और दो पेपर्स में आपको ब्लैक कलर, और जो ब्लैक फर्स्ट वाला है उसको छोटा रखना है और दूसरे तीनों ये ब्लैक दो राइट रेड इनको का रखना है आपको, और एक साइज़ के रखने हैं, ठीक है? सर्कल आपको कटिंग करना है। आप बोतल किसी का भी ढक्कन घर पे यूज़ कर सकते हो, बोतल का या किसी का भी, तो उससे आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ये काम करना है मम्मी पापा की हेल्प से, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये जो रेड है इसको पूरा कंप्लीट आगे पीछे दोनों जगह हमको आपको रेड कलर करना है, लेकिन जो ये ब्लैक है उसमें आपको ओनली आगे ही ब्लैक कलर करना है, पीछे नहीं करना है, ठीक है? ओके फिर क्या करना है आपको, ये जो है इसको आपको इससे जॉइंट करना है, ये इसके ऊपर रख के ऐसे जॉइंट करना है आपको, दिख रहा है? देखो इस तरीके से, चलिए मैं आपको बताती हूँ एक बार। तो देखो बच्चों, आपको ऐसे इस तरीके से जॉइंट करना है, देखो आपको दिख रहा है सर्कल? ओके और बीच में ब्लैक उसकी आइज, ओके ठीक है? तो यहाँ पे गम लगानी है, थोड़ा सा ही जॉइंट करना है, देखो इस तरीके से हाफ करके, ओके। फिर बच्चों उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये दोनों हमने सर्कल कटिंग करे थे ना उसको हाफ करके हाफ अम्ब्रेला टाइप इसको शेप दे देना है, देखो इस तरीके से दे दिया मैंने, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्लैक डॉट्स ब्लैक कलर के आपको अपने आप कटिंग करने, तो इसके अंदर सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ब्लैक डॉट इसके ऊपर बनाने हैं, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो बच्चों ये जो आपको छोटी छोटी दिख रही है ये कागज़ की मैंने बनाई है, ठीक है? तो आपको ये क्या करना है, दोनों जो हमारे रेड जो ये कवर है ये सर्कल, उस पर क्या करना है आपको, इन दो इनको स्टिक करना है, पहले गम लगानी है आपको फिर स्टिक करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ये ब्लैक कलर से डॉट भी बना सकते हो, ठीक है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक करके बता दी दोनों में, तो आपको इस पर थोड़ा थोड़ा गम लगा कर इस पर आपको स्टिक करना है, ठीक है? तो बच्चों देखो, आपको ऐसे करके ऐसे सर्कल कटिंग करके गोल गोल ऐसे, तो आपको इसको यहाँ पे स्टिक करना है, ठीक है, कलर इसे गम से। लेकिन बच्चों अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप क्या करते हो, ब्लैक कलर स्केच कलर यूज़ करके उससे आप डॉट भी बना सकते हो, ठीक है? लेकिन मैंने ऐसा करा है, आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ब्लैक कलर से लेकर इस पर डॉट बना सकते हो, ठीक है, ब्लैक कलर के। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, इस पर हम स्टिक करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, इसको एक को हम कहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर आपको ऐसे लगाना है, ओके। और दूसरा कैसे लगाएंगे हम, ऐसे, ठीक है? थोड़ा इसको क्या करना है बच्चा, आपको बाहर रखना है, देखो इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक है? तो ये क्या बन गया हमारा, लेडी बर्ड, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है? इस तरीके से आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, देखो, ओके। तो अभी मैं आपको ये गम लगा के दिखा दूँ तो आपको पता लग जाएगा कि हमको कैसे करना है, ओके। देखो बच्चों बाद में क्या करना है आपको, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसको ओपन रखना है, और जो अंदर का पोर्शन है उस पर नीचे की साइड जो है उस पर गम लगाकर आपको पीछे से ऐसा कर देना है, ठीक है? नीचे वाले पे आपको गम लगानी है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम इसके टू स्टिक्स लगाएंगे, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? देखो बच्चों, ऐसे टू आपको स्टिक्स पतली पतली करके कटिंग करके लगा देनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर देना है कि उसकी ऐसे लगे कि ऊपर उसकी ऐसे पूछ रही है, देखो ऐसे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो ये क्या बन के बच्चों, आज हमने बनाया है लेडी बर्ड, ठीक है? तो आपको जो उसकी आँखें उस पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा कलर कर देना है, देखो इस तरीके से ऐसे बीच में ब्लैक कलर करना है, देखो, ठीक है? तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है, लेडी बर्ड। तो आपको क्या करना है, फोर सर्कल कटिंग करने हैं, थ्री सर्कल एक जैसे रहेंगे और जो फेस है उसका वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो जो बड़े सर्कल हमने कटिंग करे उससे स्मॉल रहेगा वो, ठीक है? तो इसे बच्चों आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। उसके बाद करने के बाद ये आपको ड्राइंग बुक पे स्टिक कर देना है, ठीक है? अच्छे से देखो मैं आपको बताती हूँ अभी।
तो देखो बच्चों इस तरीके से आपको पूरा इसको सेंटर में स्टिक करना है, देखो इस तरीके से, ओके देखो ठीक है। तो देखो कितना मस्त लग रहा है ना। तो हमने आज क्या सीखा है, लेडी बर्ड, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ जीके में और करेंगे, जैसे कि संडे मंडे होता है वो भी, तो यहाँ पे हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट कम्प्लीट होता है। आज हमने सीखा है लेडी बर्ड, उसके बाद हम करेंगे जीके में ओरल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारी है जीके की बुक, लेकिन ये आपके पास नहीं है, हम ओनली एक्स्ट्रा बुक में से करा रहे हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कलर्स। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा कलर है, पर्पल। कौन सा कलर है बच्चों, पर्पल। तो पर्पल की स्पेलिंग क्या होती है, पी यू आर पी एल ई, पर्पल। फिर ग्रे, जी आर वाई ग्रे। उसके बाद पिंक, पी आई एन के पिंक। फिर रेड, आर ई डी रेड। स्काई ब्लू, एस के वाई बी एल यू ई ब्लू, स्काई ब्लू। उसके बाद ब्लू, येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो, ब्लू, बी एल यू ई ब्लू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वॉयलेट, वी आई ओ एल ई डी वॉयलेट। ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। ग्रीन, जी आर डबल ई एन ग्रीन, ठीक है। तो बच्चों ये कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कलर्स नेम, डेज नेम, मंथ नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे डेज ऑफ वीक। कितने डेज होते हैं हमारी वीक में, 7 डेज होते हैं। तो बच्चे जूनियर के जी में आपके पास बुक है और नर्सरी में भी आपको ओरल करना कंपलसरी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, संडे आता है, क्या आता है, संडे, एस यू एन डी ए वाई संडे। मंडे, एम ओ एन डी ए वाई मंडे। ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे। वेनसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेनसडे। लेकिन सीनियर के जी को ये स्पेलिंग्स लर्न करनी कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आपकी सीनियर के जी को आपको फर्स्ट क्लास में आएगी, ओके। और जूनियर के जी को ओरल लर्न करना आना चाहिए कि हमारे डेज कितने होते हैं, ठीक है। चलिए वेनसडे के बाद थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे। फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे। सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे, ओके। तो डेज नेम कम्प्लीट हो गई। अब हम करेंगे मंथ्स नेम। मंथ कितने होते हैं हमारे, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जे एन यू ए आर वाई जनवरी। फेबरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फेबरी। मार्च, एम ए आर सी एच मार्च। अप्रैल, ए पी आर आई एल अप्रैल। मई, एम ए वाई मई। जून, जे यू एन ई जून। जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई। अगस्त, ए यू जी यू एस टी अगस्त। सेप्टेम्बर, एस ई पी टी ई एम बी ई आर सेप्टेम्बर। अक्टूबर, ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर। नवंबर, एन ओ वी ई एम बी ई आर नवंबर। दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर, ओके। तो बच्चों कितने डेज होते हैं, कितने मंथ होते हैं हमारे, 12 मंथ। जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चे आपको पेरेंट्स की हेल्प से मंथ्स नेम, डेज नेम, कलर्स नेम अच्छे से लर्न करने, ठीक है। तो हमारे डेज कितने होते हैं, डेज हमारे 7 होते हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बच्चे आज कौन सा डे है, फ्राइडे है, ठीक है। फिर कलर्स नेम, पर्पल, ग्रे, रेड, पिंक, येलो, स्काई ब्लू, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज, ग्रीन, ओके। तो बच्चों ये जनरल नॉलेज था, बस आपको हमने ओनली रीड करवाया, क्योंकि ओरल भी आपको लर्न करना जरूरी है। ये एक्स्ट्रा बुक है, ये बुक आपके पास नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन आपको ओरल लर्न करना जरूरी है, ठीक है, मम्मी पापा की हेल्प से, ओके। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, जो भी मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको लेडी बर्ड सिखाया वो आपका होमवर्क मुझे आपका कंप्लीट चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स।